हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत करते हैं। और यहाँ पर इस स्टूडियो में बात करेंगे खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आप मान सकते हो, एक न्यूज निकल के आ रही है। काफी भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको बता दूं, खाद्य सुरक्षा योजना है जो काफी दिनों से पोर्टल बंद चल रहा था, जो नए राशन जोड़े जा रहे थे खाद्य सुरक्षा में योजना में, वो पोर्टल बंद चल रहा था। तो ये पोर्टल चालू किया गया था 4 अप्रैल को, और इसमें 10 लाख लोगों को ही, नए जो परिवार है उनको ही जोड़ा जाएगा। तो ये पोर्टल 4 अप्रैल को जारी किया गया था, अभी तक इसमें 9 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, 9 लाख से भी ज्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं 22 अप्रैल तक, ये बताया है। अभी मैं आपको लाइव न्यूज दिखाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। और यहां पर अब इस पोर्टल को 30 अप्रैल को मध्य रात्रि को इसको बंद कर दिया जाएगा। जो खाद्य सुरक्षा योजना में जो नए परिवार जुड़ना है उनका आप आवेदन कर रहे हो, वो 30 अप्रैल को मध्य रात्रि को ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। एक इस प्रकार की एक न्यूज निकल के आ रही है, तो आपको ये बताना मुझे अच्छा लगा, ताकि काफी भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, उनके कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। तो चलिए हम आपको लाइव वो दिखा देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट या ऐसे सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ लेना, या फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप टेक्निकल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे हमेशा 24x7 आवर्स आप हेल्प ले सकते हैं। कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आपकी मदद की जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज की तरफ, बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव 100% विद प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल बंद होने का जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज है फर्स्ट इंडिया न्यूज की, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी खबर है। योजना में 30 अप्रैल तक जोड़े जा सकेंगे नाम। खाद्य सुरक्षा आशुतोष 80 आप देख सकते हो, 80 पेंडिंगर ने दी जानकारी, कहा कि 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोला गया था। ये पोर्टल 30 अप्रैल 2022 को मध्य रात्रि को पश्चात पुनः आगामी आदेशों तक बंद हो जाएगा। राज्य में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों को चयन कर राज्य द्वारा किया जाता है। तो देखिए एक यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 30 अप्रैल तक जोड़े जा सकेंगे नाम, खाद्य सचिव। तो ये भी अपडेट आप ट्विटर पर देख सकते हो, और आप न्यूज में भी सर्च करोगे तो आपको ये अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए आप जैसे ही गूगल पर सर्च करोगे आपके बहुत सारे न्यूज के द्वारा अलग अलग दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 30 अप्रैल तक जोड़े सकेंगे नाम। यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च किया तो बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप भी सर्च कर सकते हो, सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। जो भी न्यूज निकल के आ रही है वो अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मोटी मोटी खबर है वो आपको मैं बता देता हूँ कि 4 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा योजना के जो नए 2 साल से पोर्टल बंद चल रहा था, नए 10 लाख परिवार इसमें जोड़े जाएंगे। तो आवेदन शुरू किए थे, अभी तक इसमें कुल आवेदन 9 लाख से भी ज़्यादा आ चुके हैं, 9 लाख से भी ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। और अब यहाँ पर ये खाद्य सचिव है, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके जारी किया कि भाई 30 अप्रैल को मध्य रात्रि को ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अभी इन्होंने आदेश जारी नहीं किया है, एक ट्वीट आया है, न्यूज आई है, बाकी मेरे हिसाब से अभी डेट एक्सपेंड हो भी सकती है। लेकिन आपको जल्द से जल्द अपना खाद्य सुरक्षा का फॉर्म है, अभी तक आपने भरा नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म आप भरवा दीजिए। उसके बाद हम फिर आवेदनों की चेकिंग होगी, जो पात्र परिवार होंगे, जो पात्र सरणी के लोग होंगे, उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा और उनको 2 रुपये किलो जो राशन गेहूँ है वो मिलने लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाली है, और अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आपको कमेंट कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और प्रेस रिलेटेड में। जय हिंद, जय भारत।